Assalamualaikum, मेरा नाम रिजवान दानिश है और आज हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल के हवाले से कि सेल साइकिल में एक सेल डिवाइड करता है, एक से दो में कन्वर्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एक ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो 24 आवर्स में एक मेच्योर सेल दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो 23.5 आवर्स लगते हैं इंटरफेज में, जबकि ओनली 30 मिनट्स लगेंगे एम फेज के अंदर माइटोसिस के अंदर, जिसमें सेल जो है एक से दो में मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है, इंटरफेज के अंदर सेल जो है अपने आप को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए। अब हम लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज में क्या होने वाला है, आज हम देखेंगे एम फेज के अंदर। अब एक सेल जिसने डिवाइड होना है वो रेडी है डिवीजन के लिए, क्योंकि उसने इंटरफेज मुकम्मल कर ली है अपनी डिवाइड होने के लिए, वो अब रेडी है। अब उसको सिर्फ एक से दो में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ 30 मिनट चाहिए, वो एम फेज के अंदर है। एम फेज के अंदर क्या चेंजेस आने वाली है वो आज हम वो डिस्कस करेंगे। एम फेज मजीद जो दो फेजेस में दो फेजेस में तकसीम की गई है, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस जबकि दूसरी है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर हम एक सेल को देखें तो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस भी है और ये साइटोप्लाज्म भी है। अब डिवाइड जब होगा सेल तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की तकसीम। तो डुप्लीकेशन तो ऑलरेडी हो चुकी थी इंटरफेस में, हमने देखा था एस फेस के अंदर डुप्लीकेशन तो हो चुकी थी। अब यहां पे न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो वो दो सेल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एम फेस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस है उसके आगे मजीद जो है आगे फेजेस हैं, जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज। अगर हम इनके लफ्जी मतलब देखें, सबसे पहले प्रो का मतलब है बिफोर, तो ये जो स्टार्ट होती है फेज तो उसके अंदर होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं वो हम इस फेज के अंदर देखेंगे। एक तो जो न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, सबसे पहले वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देंगे। अब एक तो कंडेंसेशन होगी पहले नंबर पे, नंबर टू पे क्या होगा कि जो बाहर वाला न्यूक्लियर इनवेलप है वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी वो मेम्ब्रेन। दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रियोल्स उसके अंदर है वो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि उन सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और उन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स आके अटैच होंगे। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो प्रोफेज में क्या हुआ है कि सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है, ये जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियर इस मटेरियल को हम कहते हैं क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा और ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम्स बना देगा। जब क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, क्रोमोसोम बनने के बाद ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये टूट जाएगा, इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और यहां पर जो सेंट्रियोल्स मौजूद थे वो सेंट्रियोल्स भी अपोजिट साइड पे चले गए, एक सेंट्रियोल इधर आ गया तो दूसरा सेंट्रियोल दूसरी साइड पे चला गया है। अब यहां से सेंट्रियोल जो है यहां से स्पिंडल फाइबर्स भेजेंगे जो कि एक्चुअली एक प्रोटीन है, जहां पे आके क्रोमोसोम्स आके अटैच होंगे। अब हम देखते हैं ये यहां तक था प्रोफेज, प्रोफेज जैसे ही ये कंप्लीट होगा अब जो चीजें उसके अंदर आएंगी उसको हम कहेंगे मेटाफेज।
मेटाफेज में क्या होता है, मेटा का मतलब क्या है, मेटा का मतलब या मिडल भी हम कह देते हैं या बिटवीन भी कह देते हैं, कि वो जो क्रोमोसोम पहले रेंडमली अटैच हो गए थे अब वो क्रोमोसोम मिडल में आ जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है, एक तो माइटोटिक स्पिंडल बनेगा मेटाफेज के अंदर, यहां से जो निकलनी है माइटोटिक स्पिंडल, जो माइटोटिक फाइबर्स निकलेंगे यहां से वो निकलेंगे यहां पे मेटाफेज के अंदर, और जो क्रोमोसोम्स हैं अलाइन इन सेंटर वो दरमियान में आ जाएंगे, जो कि एक्चुअली इसका नाम खुद बता रहा है मेटा, मेटा मीन मिडल में, तो ये क्रोमोसोम सारे के सारे मिडल में आ जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे। जब क्रोमोसोम दरमियान में आएंगे तो यहां पे क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्रोमोसोम में देखते हैं कि ये देखें ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जो है यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स हैं, इस एक हेड को जो मैंने यहाँ पे अलग करके दिखाया हुआ है ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड एक ही जगह पे अटैच होते हैं और उस जगह को जिस जगह से ये अटैच हो रही है जुड़ रही है आपस में उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, वहां पे प्रोटीन का एक क्लिप लगा होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। एक्चुअली ये काइनेटोकोर का फंक्शन भी यही है कि यहां से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर यहां पे आके अटैच हो जाएंगे इनके साथ, क्रोमोसोम के साथ ये स्पिंडल फाइबर आगे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे ये काम मुकम्मल होगा तो हम कहते हैं कि मेटाफेज का काम, मेटाफेज की जो फेज है जो इंटरवल है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाती है एनाफेज, बट एना का मतलब हम देखते हैं, एना का मतलब है बैक, बैक तो बैक से क्या मुराद है, क्या चीज बैक पे जा रही है, ये जो क्रोमोसोम्स है उनको स्पिंडल फाइबर के जरिए जो सेंट्रियोल्स है उनको पीछे खींच लेते हैं, पहले जो दरमियान में आ गए वो उनको पीछे खींच लेंगे और यहां से ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ये देखें ये एनाफेज है, एनाफेज में हो क्या रहा है, पुलिंग ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल को पीछे खींचा जाता है और खींचने से जब ये क्रोमोसोम यहाँ पे जुड़ा हुआ था जैसे इसको खींचेंगे तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट, पार्ट से मुराद है क्रोमेटिड्स, ये अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे यहां से सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये टूट जाएंगे ईच हैज आइडेंटिकल सेट, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है वो वहां से सेपरेट हो गए हैं। इसकी तफसील हम मियोसिस में पढ़ेंगे, मैं वहां से आपको बताऊंगा किस तरह से इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो जैसे एनाफेज एनामीन बैक पे क्रोमोसोम अब वापस चले गए हैं, नेक्स्ट फेज इज टेलोफेज, टेलो का मतलब एंड, This is the end of the phase. यहाँ पे end होने वाला है, क्या end होगा, एक तो spindle fiber जो है mitotic spindle जो जिस काम के लिए वो निकले थे उन्होंने अपना काम कर लिया, अब वो खत्म हो जाएंगे, disorganize हो जाएंगे, टूट जाएंगे, एक काम तो ये होगा। दूसरा काम ये होगा जो स्टार्ट में प्रोफेज के शुरू में हमने देखा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप था क्रोमेटिन के बाहर, वो यहाँ पे दोबारा बन जाएगा क्योंकि वो टूट गया था उसके अंदर प्रोफेज के अंदर, अब न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगी और उसके बाद जो सेल है जो सेल जो यू था अब वो यहाँ से पिंच होना स्टार्ट हो जाएगा, आपस में क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस तो तकसीम हो चुका, अब किसने तकसीम होना है, अब तकसीम होना है साइटोप्लाज्म में जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब ये जो टेलोफेज है, टेलोफेज में हुआ क्या, टेलोफेज में ये देखें हमने जैसे कि कहा कि टेलोफेज के अंदर जो है एक तो क्रोमेटिन जो है जो क्रोमोसोम थे दोबारा से क्या बन गए हैं, क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर गए, ये देखें ये क्रोमेटिन है और उसके अलावा जो है सेंट्रियोल्स वापस आ गए हैं उनके पेयर के फॉर्म में, ये सेपरेट हो गए हैं और उसके बाद अब सेल ने अंदर से पिंच होना शुरू कर दिया, जैसे इसकी पिंचिंग मुकम्मल होगी यानी कि आपस में कंप्लीट होंगे आपस में जुड़ेंगे यहां से तो ये सेल की डिवीजन मुकम्मल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो फेज आएगी उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बाद सेल क्या हो गए, दो सेल में कन्वर्ट हो गए। और ये जो माइटोसिस है एक इंपॉर्टेंट बात कि माइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उतने ही रहते हैं जितने के पेरेंट सेल में थे, मिसाल के तौर पर वो सेल सपोज ये सेल जिसको ट्रिगर मिला था डिवीजन के लिए इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो
ये जो डॉटर सेल हमारे पास बने हैं इनके अंदर भी क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद वही रहेगी जो कि पेरेंट सेल में थी। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मियोसिस।